मैं एक बार इस गांव की मुखिया बन जाऊं, मैं लल्लन को जेल से वापस छुड़वा लूंगी और उसके पिताजी भी वापस आ जाएंगे और मेरा घर टूटने के पीछे सावित्री का हाथ है। मैं चाहती हूं कि सावित्री का घर टूटे, क्योंकि जिस दिन उसका घर टूटेगा उस दिन मेरा घर जरूर। इतनी देर हो गई है, इस धूप में ना हम सच में अंडे की तरह बॉइल हो ही जाएंगे। उठा ले। मैं उठा लूं? अरे अबे उठा ले, उठा ले यार। अच्छा अबे को, अबे को, अबे क्या यार, डरा दियो अबे। तुम ही तो बोल रहे थे फोन पर उठा लो उठा लो, तो उठा लिए। अब कब से कह रहे हो अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं, और अब आए, ऊपर से कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो यार। नहीं नहीं, मेरी भी कोई इज्जत है यार, इज्जत है हमारी भी यार। अरे सुनो ना यार, गुस्सा मत ही करो ना, एक काम करो, गुस्सा थूको। हैं? गुस्सा थूको। हाँ अब सही है। हाँ वैसे एक बात बताएं, हमारी डिमांड बढ़ गई है, सब आते जाते लोग हमें देख रहे थे। अबे गांव के मार्केट में फटफटी लेके धूप में ऐसा खड़े रहोगे तो सब तुम्हें ही ना देखेंगे। अच्छा, हमें लगा हमारी डिमांड बढ़ गई है। तुम नहीं सुधरो। अबे क्या नहीं सुधरेंगे, तुमने कहा जहाँ खड़े वहीं खड़े रहो, हम क्या करते। हाँ तुम्हारी यही आदत तो हमें पसंद है, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाए हैं हम। यार सही बताओ काम क्या है। काम बहुत है बड़ा, माला माल कर देंगे तुम, बस हम जैसा बोलते रहे करते रहे। पूछे अब बातें मत करो, चलो 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 चलो। माँ क्या सोच रही हो आप? माँ जब आप सावित्री मौसी के प्रण को नहीं भूल सकती तो वो लोग कैसे भूलेंगे? माँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस घर में बच्चा पैदा होने की तैयारियां चल रही है। मुझे तो पता था कि जब उसकी बहू यहाँ आई थी बोलकर गई थी, और मुझे लग रहा था कि वो अपने ससुराल जाकर बच्चा पैदा करने की तैयारियां करेगी, लेकिन सावित्री के घर में इतनी जल्दी किलकारियां नहीं गूंजेंगी। कुछ कह नहीं सकते माँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमर और ज्योति दोनों डॉक्टर हैं, जो दूसरों के घरों में बच्चा पैदा करवा सकते हैं वो अपने घर में कोई चूक नहीं करेंगे। कोई कर भी क्या सकता है, इंतजार करने के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं। नहीं माँ, हम यूं बैठ के इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा ही हुआ कि मैं आज उनके घर गई। आपको पता है माँ, आज मैंने ज्योति के कमरे में कुछ ब्लड टेस्ट के डिब्बे देखे, तभी मेरे दिमाग की यूं घंटी बजी है। आपको पता है वो अपना टेस्ट कराने शहर जा रहे हैं, ताकि बच्चा पैदा होने में कोई देरी ना हो। ओहो, यानी कि सावित्री की बहू रानी ने मुझे हराने के लिए कमर कस ली है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि उसकी बहू रानी खानदान को वारिस कैसे देती है। आप कर क्या सकती है उसमें माँ, जिस तरह वो इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह हम उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं कामनी, बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाले करते हैं और झेलने वाले झेलते हैं। करने वाले करते हैं और झेलने वाले झेलते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं आज ही पुराने टोला वाले वैद्य से मिलने जाऊंगी, देखना वो क्या कर सकते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे माँ वो वैद्य है, वो इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं, वो तो जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते हैं ना माँ। इसका भी तो कुछ इलाज होगा, मैं आज शाम को वैद्य से मिलने जाऊंगी, तू मेरे साथ चलना और खुद देख लेना कि वो क्या कर सकते हैं।
दीदी आपकी बातों ने अंबिका दी को चिंगारी दे दी, जिसे सुलगाने के लिए वो शांत नहीं बैठेगी, इसीलिए वो जानबूझकर आपको याद दिला रही है कि आप अपना प्रण भूलना नहीं। लेकिन कुछ हमें अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। तुमने देखा ना कि बहू रिश्ता तोड़कर घर से चली गई थी, लेकिन वो खुद ही वापस आ गई। दीदी मैं सोच रहा हूं कि एक बार आप अपने कुलगुरु ज्योतिषी महाराज को यहां बुलाकर अच्छी तरह से अमर और बहुरिया की कुंडली दिखाई जाए, जिससे ये पता लग जाएगा कि संतान योग कितना प्रबल है। तुम ठीक कह रहे हो कुंज, इस तरह से बैठकर इंतजार करने से बेहतर होगा कि हम एक बार कुंडली दिखा लें और निश्चिंत हो जाएं। और अगर योग कमजोर होगा तो उसके लिए उपाय भी किया जा सकते हैं। एक बार अमर और ज्योति को आ जाने दो, हम अच्छा हमको इस बारे में चर्चा करते हैं। क्यों, अमर और बहुरिया कहीं गए हैं क्या? दोनों शहर गए हैं। अमर को मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पता करना था, बहू भी डॉक्टर है तो अमर उसको साथ लेकर गया है। ओ। अरे कुंज तुम किस सोच में पड़ गए? दीदी मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार हम उपाय ढूंढ रहे हैं वैसे ही अमर और बहुरिया भी तो सोच रहे होंगे। हम ज्योतिष और कुंडली के आधार पर ढूंढ रहे हैं और अमर और बहुरिया चूंकि वो दोनों डॉक्टर हैं इसलिए मेडिकल के हिसाब से उपाय ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो कुंज, और वैसे भी उस दिन अंबिका दीदी ने जब दोबारा से हमें ताना दिया था तो सबसे ज्यादा अपसेट तो बहू ही हुई थी। फिर हमने सोचा कि इस मामले के बारे में हम बहू को ज्यादा ना बताएं, उसके दिल और दिमाग पर कहीं बोझ ना लगे। हमें भी लगता है कि शायद अमर बहू को इसी काम से लेकर शहर गया हो। अच्छा है दीदी, वो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए। बहुत भूख लगा तुम्हें, अबे एक तो दो। तुम भर लो, 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 तुम भर लो, लो। अरे कुंज ये तो अभय है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो लड़का उसके साथ में कौन है? ये तो अंबिका दी का दामाद है ना। हाँ हाँ, आज ही तो कामिनी से घर लेकर आई थी मिलाने के लिए। हमें लगता है कि ये दोनों अब यहीं रहने लगे हैं। बहुत घमंड था अपने बेटे पर अंबिका दीदी को, अब बेटी और दामाद पर आश्रित होकर जिएगी। ऊपर वाले तेरे खेल निराले। चलिए चलते। अबे गोली मारो ऐसा 10-15 हजार का नौकरी को, पहले हम ये सब के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जानते हो इस बार जब हम अपने ससुराल में आए ना तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हमारा ससुराल एक अंधा कुआं है और इस कुएं में कितना माल है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। काबे इस अंधे कुएं में डूब के जान देना है, अबे क्या करना है भाई? अबे तुम समझते काहे नहीं अबे? हाँ, गांव का पूरब दिशा में सैकड़ों एकड़ का खेती होता है, वहाँ कितना अनाज उगता होगा, कितना बिकता होगा, बाग बगीचा कितना है, इसका अंदाजा हमारी सासू अम्मा को भी नहीं होगा, और जिसको था वो जेल का हवा खा रहा है। हमारा प्रिय साला लल्लन। भाई का लल्लन फल्लन क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, देखो जायदाद का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हाँ? और जायदाद का देखभाल हमें ना करना है और अपना तरीके से करना है। लाखों में खेलेंगे हम, लाखों में। बस हमको बस इतना करना होगा कि हमारी सासू अम्मा को हमारी मुट्ठी में रखना होगा, उन्हें खुश रखना होगा, मुझे
सासू माँ को खुश करने का जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी सासू माँ है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करते रहेंगे। तो ठीक, जैसा हम कहते रहे करते रहे। देखो मामला बहुत बड़ा है, बड़ा है इसीलिए तुम्हें बुलाए, हम अकेले नहीं कर सकते थे। बस अपना सोच समझ का इस्तेमाल करना। हमारी सासू अम्मा से कब कहाँ कितना माल ऐंठना है यह हम तुम्हें बताएंगे। हाँ, और हाँ एक बात का और ख्याल रहे, हमारी मेहरारू तुम्हारी भाभी को इस बात का शक नहीं होना चाहिए। अबे तुम अपने दोस्त के टैलेंट पे शक कर रहे हो बे, ससुराल को आबाद नहीं बर्बाद करना है। नहीं, इसे बर्बाद करना नहीं कहते, खुद को आबाद करना कहते हैं। हाँ, अब चलो हमारी सासू अम्मा से तुम्हारी पहचान करानी है, कल सुबह तुम्हें शहर निकलना है वकील से मिलने। अबे क्या यार, अभी बुलाए हो वापस शहर भेज रहे हो यार, क्या मतलब है यार? अबे तुम बोरा का जाते हो बे, हाँ शहर जाने के नाम पे कहाँ जाना है हम तुम्हें बताएंगे। चलो स्टार्ट करो इस फटफटी को, चलो। सब दिखावा है, सच तो ये है कि हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो उसे माँ बना देना चाहते हैं। अरे ऐसा भी कहीं होता है कि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की को सब कुछ भुला के बस एक ही बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो माँ बन के दिखा दे। मेरा सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और वो डॉक्टर ही बनेगी। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर शंभू फोन करने के लिए। अब मेरी बेटी और दामाद जो है आपके पास आ रहे चेकअप करवाने के लिए। जैसे उनका चेकअप हो जाता है तो उनका रिपोर्ट भी दे दीजिएगा, क्योंकि उन्हें वापस भी आना है। हाँ जी, और आपकी और मेरी बात हुई है, ये उनको बताने की जरूरत है। थैंक यू वंस अगेन। किसका फोन था अभी? अरे वो अमर और ज्योति जो है इक्विपमेंट की डील करने के लिए शहर गए हैं ना। अब मैंने तो अमर बाबू को कहा था, लेकिन अमर ने कहा कि ज्योति जीत कर उनके साथ में जा रही है। पर अभी किसका फोन था? लैब के डॉक्टर शंभुनाथ जी का फोन था। वो अमर और ज्योति जो है उनके पास चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। चेकअप इसके लिए कि वो देखना चाहते हैं कि दोनों में से किसी को कोई कमी तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ज्योति अपनी मर्जी से वहां नहीं गई होगी, जरूर अमर बाबू उसे जिद करके अपने साथ ले गए होंगे। मंगला, ज्योति को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। अरे आप तो कुछ समझना ही नहीं चाहते, आपको तो ये भी समझ में नहीं आता कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। चाहते नहीं थे, चाहते हैं। इसीलिए तो गांव में हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए, और उसके ससुराल वाले ही बनवा रहे हैं। सब बहलाने की बातें हैं, सब दिखावा है। सच तो ये है कि हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो उसे माँ बना देना चाहते हैं। ज्योति नाराज होकर आई भी तो थी इसी बात पर, उसे डर था कि उसकी जिंदगी कहीं घर बच्चे और पति में बर्बाद होकर ना रह जाए, और आखिर अब वही हो रहा है। देखो निर्मला, बात समझने की कोशिश कर, उनकी घर की बातें जो है हमसे ज्यादा ज्योति समझती है, और हम दोनों को ज्योति को समझने की कोशिश करनी होगी। आप समझते रहिए, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, और अब बस ज्योति को समझाने की जरूरत है। अरे ऐसा भी कहीं होता है कि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की को सब कुछ भुला के बस एक ही बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो माँ बन के दिखा दे। मेरा सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और वो डॉक्टर ही बनेगी। Thank you.
हाँ भाभी जी, ये हमारे मित्र हैं जगन, शहर के बहुत बड़ा वकील से बात किए हैं, इसलिए हम इन्हें साथ ले आए। चलिए आप लोग अंदर। हाँ हाँ चलो। आइए। आओ बे। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, कुछ नाश्ता भी। नहीं नहीं, नाश्ता उश्ता हम कराए हैं। और अम्मा जी और ये कामिनी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रही? वो लोग कहीं बाहर गए हैं, थोड़ा देर हो जाएगी आने में। बोल के गए हैं कि कहाँ जाएंगे? वो माँ जी को शायद किसी से मिलने जाना था, तो कामिनी भी उनके साथ चली गई। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। सर्वर तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा वैसा है खूब है। तुम्हें क्या लगा था, मजाक कर रहे हैं? मेरी बहू ना बहुत कमजोर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इतनी जल्दी माँ बने, तो बस इसीलिए आपसे कोई दवा और जड़ी बूटी कुछ लेने आई थी। आप इसे चाय में, दाल में या किसी भी चीज में मिला के आप उन्हें दे दीजिए। साल डेढ़ साल तक तो आपकी बहू का पैर भारी नहीं होगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते, आइए बैठिए। हम पासी के गांव से आए हैं, आपका बड़ा नाम सुना है, तो बस आपके पास एक मदद के लिए आए हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जब से गांव में हॉस्पिटल खुल गया है तब से लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया है। अब कौन पुरानी आयुर्वेद की इन जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवाता है? वैद्य जी, अब इन जड़ी बूटियों के प्रभाव को मानने के लिए कौन मना कर सकता है? हाँ वैसे भी ये तो हमारे इलाज की प्राचीन पद्धति है ना वैद्य जी? हाँ ये तो है। खैर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। क्या है कि वैद्य जी, मेरे बेटे की शादी ना अभी हुई है, और मेरी बहू ना बहुत कमजोर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इतनी जल्दी माँ बने, तो बस इसीलिए आपसे कोई दवा और जड़ी बूटी कुछ लेने आई थी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आजकल तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिन्हें पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं भी। अब ऐसी गोलियां भी हैं जो महिलाएं खा लें तो गर्भवती होने से बच जाती हैं। आपकी बात तो सही है ना वैद्य जी, पर क्या है ना, मेरी बहू को ना बच्चों से बहुत प्यार है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू वो दवाइयाँ नहीं खाएगी, और वो अगर माँ बन गई और उसके पैर भारी हो गए तो वैद्य जी आप समझ सकते हैं ना। सुना है आजकल ऐसे इंजेक्शन भी निकल आए हैं, आप हॉस्पिटल जाइए ना, आप वहाँ से पता कीजिए और अपनी बहू को एक इंजेक्शन लगवा दीजिए, जब तक उसका प्रभाव रहेगा आपकी बहू के पैर भारी नहीं होंगे। वो बात तो ठीक है आपकी वैद्य जी, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी, और फिर कभी इस दौरान उसके पैर भारी हो गए तो आपको बताया ना कि मेरी बहू बहुत कमजोर है, तो आप हमारी मदद कर देते जिससे बहू साल 6 महीने माँ ना बन सके। वैद्य जी हमें निराश मत करिए, हम बहुत दूर से आए हैं आपके पास, आप ना हमें कोई भी दवा दे दीजिए जो हम चाय में या खाने में डालकर उन्हें दे दें, ताकि 6 महीने से 1 साल तक हम चिंता मुक्त रहें। वैद्य जी हमारी मदद करिए ना। हाँ ठीक है, वैसे भी आजकल एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो आई तो हमारी जड़ी बूटियों से ही हैं। मेरे पास है एक ऐसी दवाई, आप उन्हें एक बार खिला दीजिए, साल डेढ़ साल तक आपकी बहू का पैर भारी नहीं है।
देखिए इसका कोई स्वाद नहीं, आप इसे चाय में, दाल में या किसी भी चीज़ में मिला के आप उन्हें दे दीजिए तो साल डेढ़ साल तक तो आपकी बहू का पैर भारी नहीं होगा। देनी एक ही खुराक है लेकिन मैं आपको दो दे रहा हूँ। ये लो वैद्य जी, मैं आपका एहसान ही कभी नहीं भूल सकती। मैं जिस उम्मीद से आई थी वो उम्मीद पूरी हो गई वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर हो गई, अमर और बहू अभी तक नहीं आए, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। अरे शहर घूमने गए हैं, देर हो जाती है, और अगर कहीं पिक्चर देखने रुक गए होंगे तो देर तो होगी। अब तुम उनके आते ही उनसे सवाल पे सवाल करने मत शुरू कर देना। अरे हमने उन्हें फोन किया था, उनका फोन भी नहीं लगा। भाभी परेशान मत होइए, मेरी बात हुई है अमर और ज्योति से, बस वो दोनों पहुँचने वाले ही होंगे। अरे फिर रास्ते में फोन का नेटवर्क है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, इसमें इतना परेशानी की क्या बात। हाँ अरे आप नहीं समझेंगे। लो आ गया तुम्हारा लाडला। पता है तुम दोनों को कितना परेशान हो गए थे हम, तुम्हें कितने फोन किए, फोन नहीं उठा रहे थे तुम लोग। बस एक बार फोन करके बता देते कि तुम लोग देर से आओगे, मैं इतनी चिंता तो नहीं होती। ज्योति मैंने कहा था ना कि मां परेशान होकर हमारा इंतजार कर रही है। चलो अच्छे से तुम लोगों का शहर घूमना हो गया ना बेटा। अमर बेटा कभी कभी बहुरिया को ऐसे ही बाहर घुमा दिया कर, इसे भी तो अच्छा लगेगा। ठीक है बुआ, क्योंकि तुम्हारे मामा तो हमें कहीं बाहर घुमाने लेके ही नहीं जाते। माँ मैं आप सबके लिए कपड़े लेकर आया। हाँ ठीक है, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। अरे वाह आ गए आप लोग। अमर बेटा हमारा वो गिफ्ट ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट। अरे मामा जी ये लीजिए, सबसे पहले आपके ड्राई फ्रूट्स। वाह बेटा अमर, वाह 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 क्या बात है। और छबीली जी ये आपका प्यारा सा गिफ्ट। वाह। माँ ये आपके लिए साड़ी। पापा जी आपके लिए जैकेट। अरे वाह क्या बात। मामी आपके लिए और मामा के लिए। धन्य हुआ आपके लिए साड़ी। थैंक यू बहुरिया। बेटा हम लोग देख लेंगे, तुम दोनों थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो। जी माँ जी। जाओ बेटा। अच्छा बेटा मदन जी से कहना है कि मैंने उन्हें याद किया है। बाबूजी घर छोड़के चले गए। क्या बस एक बार मेरा लल्लन छूट जाए ना फिर तो सावित्री का मुंह काला हो जाएगा। अरे कामनी। हाँ बेटा वो तुम्हें कल 5 लाख रुपए दिए थे ना, वो लाकर दामाद जी को दे दो। ठीक है। मन ही चांदी मन ही स...